कल्पांतरिक साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम, ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास का एहसास करना है। जो श्वास अंदर जा रही है, जो बाहर आ रही है, उस श्वास का एहसास करते हुए सहज होते जाना है। गहरे विश्राम में डूबते जाना है। श्वास के साथ गहरे विश्राम में डूबते जाना है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है। के समान स्थिर कोई हलचल नहीं करनी। लगातार स्थिरता से श्वासों का एहसास, जो श्वास अंदर जा रहा है उसका एहसास, जो श्वास बाहर आ रहा है उसका एहसास लगातार, श्वासों का एहसास श्वासों के एहसास के साथ आपका शरीर स्थिर होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। एक गहरे विश्राम में आप डूबते जा रहे हैं। श्वासों की गति भी कम होती जाए, एहसास ही ना रहे, सही का भी एहसास ना रहे, तो विचार भी शांत हो जाए। निरंतर श्वासों के एहसास के साथ आपका सही, आपके विचार, आपके भाव सब शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। एक तेज शांति में आप प्रवेश कर रहे हैं। शरीर को बंद पत्थर के समान स्थिर रखना है। पत्थर के समान न
ना कोई प्रतिक्रिया। एक पत्थर के बुत की तरह, पत्थर की मूर्ति की तरह सिर्फ ठहर जाना है। इस ठहराव में अचानक आपको लगता है कि किसी मच्छर ने काटा, तो उसकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को देखेंगे, या फिर लगा कोई कहीं खुजली हो रही है तो उस हिस्से को देखेंगे, या फिर कहीं सही में दर्द हो रहा है तो उस बिंदु को देखेंगे। इक्कीसवीं साधना शरीर के स्थिर होने पर जो दिव्य संवेदना अचानक जागृत हो, जो शरीर को हिलने डुलने पर मजबूर कर दे, ऐसी संवेदना के प्रति जागृत होना है। लेकिन सही में हलचल नहीं करनी है। अगर कहीं खुजली हुई हो, आपने खुजा दिया, या कहीं मच्छर ने काटा हो आपने उसे हटाया, या हाथ से वहां रख किया, तो फिर साधना नहीं हो पाएगी। इक्कीसवीं साधना का मकसद है कि आप शरीर की प्रत्येक संवेदना के प्रति अपनी चेतना को इतना मजबूत कर लें कि शरीर की संवेदना शरीर के आपकी चेतना के ऊपर प्रभाव न डाल सके। कोई कष्ट हुआ तो शरीर को हुआ, चेतना सही नहीं है, चेतना के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए किसी साधना में कहा है कि सही को स्थिर कर कहीं पर स्विच चुबा दें, स्विच से वेदन करें और उसके कष्ट को देखें और महसूस करें कि एक कष्ट शरीर में है। उस कष्ट के क्षेत्र को देखते जाएं और धीरे धीरे कम होता जाएगा, एक समय आएगा कि वह खत्म हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि शरीर में जैसे सुई चुभती है और संवेदना पैदा होती है, ठीक इसी तरह की संवेदना जब आप स्थिर होते हैं, साधना में बैठते हैं, तो अनेक संवेदनाएं शरीर में जागृत होती हैं, जो उसी तरह की पीड़ा देती हैं। कभी मच्छर काट ले, कभी मक्खी काट ले, कभी कुछ रेंगता हुआ महसूस हो, कभी कहीं दर्द होने लगता है, तो जो कुछ भी घटना घट रही है वो शरीर में जहां कहीं भी कुछ एहसास हो, चेतना शक्ति उस बिंदु पर लगा दें और देखते देखते वो खुजली खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो खुजली तो शरीर में है। आपकी चेतना शक्ति, आपकी ऊर्जा उस खुजली को बिना हिलाए भी खत्म कर सकती है। ऐसे शरीर के दर्दों को, ऐसे ही शरीर की बीमारियों को भी आप खत्म कर सकते हैं। शरीर में कहीं दर्द है, अपनी पूरी चेतना शक्ति उस दर्द पर लगा दें, उस दर्द के बिंदु को देखें,
अपने हिस्से में दर्द है और देखते देखते वो दर्द का हिस्सा छोटा होता जाएगा और उसके केंद्र में पहुंचने की कोशिश करते जाएंगे। लगातार दर्द देखते जाएंगे तो वो दर्द एक बिंदु पर महसूस होगा और धीरे धीरे वो बिंदु गायब हो जाएगा और आपका वो दर्द चला जाएगा। सही की कोई भी संवेदना क्यों ना हो वो संवेदना के प्रति जागृत रहना है। पूर्ण जागृति के साथ उस संवेदना को बिना हिले डुले केवल साक्षी भाव से देखें। साक्षी भाव से जब देखते रहेंगे तो यह संवेदना लीन हो जाएगी। जब हम स्थिर होना चाहते हैं तो ये पूरा शरीर स्थिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उस स्थिरता के प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं करता है क्योंकि स्थिरता की इसको आदत नहीं है। इसीलिए किसी विधि बनाई शरीर की प्रत्येक उस संवेदना को साक्षी भाव से देखते हुए खत्म कर दें। और खत्म करने की भी कोशिश नहीं करनी हो तो स्वयं खत्म हो जाएगी। आपको तो केवल उस संवेदना को देखना है। चाहे वह साधना में किसी भी तरह की कोई पीड़ा क्यों ना हो रही हो सही परिस्थिति रखने में बाधा बन रही हो आपको सिर्फ उसको साक्षी भाव से देखना है, उसके केंद्र में जाना है और आप देखेंगे धीरे धीरे वह दर्द का हिस्सा छोटा होता जाता है और एक समय वह शून्य हो जाता है। लंबे समय तक जब बैठते हैं साधना में पत्थर के समान स्थिर होकर लगभग 40 मिनट को जब पार करते हैं और सब संवेदनाओं के प्रति सचेत रहते हैं, शरीर को कुछ हिलाना डुलाना नहीं करते, तो 40 मिनट बाद चमत्कार घटित होना शुरू हो जाते हैं। आपका सही शून्य होने लगता है और ये शून्यता ऊपर की ओर मस्तिष्क की ओर जाने लगती है और जितनी ये शून्यता ऊपर की ओर उठती है उतनी ही आप गहरी ऊर्जा से जुड़ते चले जाते हैं और परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। लगातार संवेदनाओं का एहसास करते हुए इस शरीर को शांतता की ओर ले जाना है। यहाँ सभी संवेदनाएं समाप्त हो जाए जो साधक साधना शुरू करता है तो अनेक साधनाओं में ऐसी संवेदनाएं भी पैदा होती हैं जो साधक को विचलित कर देती हैं। कई बार तो भयंकर पीड़ा भी होती है
जैसे सिर में भयंकर दर्द हो जाना या किसी चक्र में विशेष दर्द बढ़ जाना या फिर सही में कंपन हो जाना, सही अचानक हिलने लगना, क्योंकि आपका सही संवेदना को एनर्जी को बर्दाश्त नहीं करता। आप जब उस संवेदना को उस एनर्जी को साक्षी भाव से देखते हैं तो आपके सही की संवेदना को एकजुट करने की भाव बढ़ती चली जाती है। जो साधक शुरू में कांपते हैं उनका कांपना बंद हो जाता है, जिनके सही में हलचल होती है वो हलचल बंद हो जाती है, जिनके सिर में दर्द होता है वो दर्द बंद हो जाता है, या किसी बिंदु का दर्द होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो तीव्र से तीव्र कोई भी संदेह न क्यों ना जागृत हो, आपको तो केवल साक्षी रहना है। उस संवेदना के प्रति वे सही में देखें, सही में कहीं भी जो भी संवेदना आपको महसूस हो और साक्षी भाव से उसको देखते रहें, जब तक वो खत्म ना हो जाए। सही से ऊपर उठने की कोशिश, सही और चेतना को अलग अलग देखने की कोशिश, सही के प्रति साक्षी भाव और देखने वाली साक्षी चेतना, चेतना के द्वारा सही में घटित होने वाली प्रति संवेदना को शांत होने दें। जो भी संवेदना आपको महसूस हो सिर से लेकर पैरों तक, कभी गर्मी की संवेदना तो कभी सर्दी की संवेदना, संवेदना के अनेक रूप है। आपको वो जिस रूप में भी दिखाई दे आपको उसी रूप में देखना है, उसी का साक्षी बनना है। साक्षी सही की प्रत्येक संवेदना के प्रति एक एक संवेदना को देखें, उसका साक्षी बने और देखते देखते उसको विलीन हो जाने दें। और सही की सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना को भी पकड़ने की कोशिश, सही के किसी भी हिस्से में कहीं भी कोई भी संवेदना कितना हो जो आपका ध्यान आकर्षित कर रही हो, चला जाना है, अपनी चेतना को वहीं पर ले जाना है। और उसी को साक्षी भाव से देखना है,
दृष्ट दृष्ट हो जाना है। होती जाए अगर सारी संवेदना नहीं है तो किसी विचार की भी संवेदना हो सकती है। कोई विचार आ रहा है, लगातार चल रहा है, तो आप अपने विचार पर ही ठहर जाए, उसी का साक्षी बन जाए, उस पर कोई प्रतिक्रिया न करें और देखते देखते आपके वो चाल विलीन हो जाएगा। संवेदना सारे को या मानसिक प्रत्येक संवेदना से मुक्त होना है। सारी संवेदना से भी ज्यादा कष्ट देती है ये मानसिक संवेदनाएं। शरीर की संवेदना तो क्षणिक होती है, लेकिन मानसिक संवेदना, मानसिक वेदना कई बार तो पूरे जन्म, पूरे जीवन परेशान करती है। और कुछ संवेदना तो जन्मों तक परेशान करती है। तो कोई मानसिक संवेदना भी जागृत हो जो आपको कष्ट देती है, तो उसको देखें और सिर्फ देखें, उसका कोई क्रिया ना करें। देखें और देखते देखते उसको विलीन हो जाने दें। जो भी विचार आपके अचेतन से ऊपर की ओर आ रहे हैं, चेतनता के स्तर पर दृश्य के रूप में, विचार के रूप में प्रकट हो रहे हैं, उन सब का साक्षी बन जाएं। और एक एक स्तंभ को, एक एक संवेदना को खत्म हो जाने दें। कभी शरीर को कष्ट होता है, लेकिन चेतना को नहीं। शरीर जो कष्ट भोग रहा है इन संवेदनाओं से, इस शरीर को इन कष्टों से मुक्ति दिलानी है। सारी को मानसिक सभी व्याधियों से, तो प्रत्येक संवेदना का एहसास करें, देखें। और जब तक देखें, देखते देखते वो लीन ना हो जाए, तो उसका कोई विचार ना करें, कोई क्रिया ना करें, कोई प्रतिक्रिया ना करें, सिर्फ देखें। जैसे मैंने कहा कि किसी मच्छर ने काटा, तो आप सिर्फ उसको देखें, उसको उड़ाने की, हटाने की कोशिश ना करें। ठीक ऐसे ही अपने विचारों के प्रति किसी विचार को पकड़ने की या हटाने की कोशिश ना करें, और ना ही उसका कोई प्रतिक्रिया करें। जो कुछ है उसको देखें और देखते देखते वो विलीन हो जाए।
सही के प्रति संवेदना के कष्ट को खत्म करना है, बिना किसी हलचल के अपनी मानसिक संवेदनाओं के कष्ट को भी खत्म करना है, बिना किसी क्रिया के और जो कुछ हो रहा है उसको होने दें। आपको सिर्फ साक्षी बने रहना है, लगातार सही की हर संवेदना के प्रति साक्षी भाव और ये संवेदना केवल सही की है इतना जान लेना कि इतना की नहीं, यही है जिस विभव साधना विज्ञान भैव तत्व की किसी साधना सही को अपने से अलग महसूस करना अपनी चेतना के द्वारा सही को रोक देना और फिर जो भी संवेदना होती रहे उसको सही में सीमित महसूस करना और क्योंकि सारी घटनाएं सही के अंदर घटती हैं काम क्रोध मोह अहंकार या और भी जितनी घटनाएं हैं वो सब सही के अंदर घटती हैं और जो आप जान जाते हैं कि मैं सही नहीं हूं
तो इन नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से मुक्त होते चले जाते हैं। घटनाओं का प्रभाव जब तक है जब तक आप इस घटना से जुड़े हैं, और जैसे ही आपने घटना का त्याग किया उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे कोई काटा गया में चूहा तो वह तभी तक कष्ट देता है जब तक वो पैर में लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसे पैर से बाहर कर दिया आप काटे से मुक्त हो गए, सही दर्द से मुक्त हो गया। ठीक ऐसे ही ये मानसिक संवेदनाएं हैं, शरीर के दर्द हैं, शरीर की बीमारियां, साक्षी भाव से केवल को देखते जाएं और सही से अलग कर दें। जब देखते जाएंगे साक्षी भाव में तो वो लीन होती जाएंगी और सही उनसे मुक्त हो जाएगा। मां की चेतना पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई आपको बुरा भला कहता है तो आपके सही को ही तो कहता है, इस रूप को ही तो कहता है। आपकी चेतना जब तक उस सही से जुड़ी है और सही के भाव को स्वीकार कर रही है तभी तक तो वो कष्ट दे रहा है। और जब सही से ही अलग हो गए भावना से तो स्वयं अलग हो जाएंगे, कष्टों से तो स्वयं मुक्त हो जाएंगे। तो सिर्फ देखते जाएं और देखते जाएं। जो कुछ भी हो रहा हो ना कोई क्रिया ना कोई प्रतिक्रिया, ओम सीता। पत्थर के समान ना कोई चुभने का डर, ना किसी मच्छर काटने का डर या मक्खी के काटने का डर, कोई समस्या नहीं।
डूबते जाएंगे समस्याओं से मुक्त होते हुए उस आनंद का शांति का अनुभव करें। परमात्मा के वास्तविक कृपा का एहसास करें। खो जाए इस परमात्मा की वास्तविक कृपा में, तक हो जाए
एहसास हो रहे हैं, जो अनुभव हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए चेतना वापस आने के लिए तैयार हूँ। चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। श्वासों का एहसास, सही का एहसास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेली को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।